हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इंग्लिश क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर, हाफ ईयर के एग्जाम सेशन 2024-25। सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये है हाफ ईयर एग्जाम 2024-25। इसका जो सेक्शन ए है रीडिंग का 20 मार्क्स का है, ये हमने कर लिया है पहली वीडियोस में, आप देख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं सेक्शन बी, जो ग्रामर का पार्ट है सेक्शन बी का, हम उसे करेंगे। उसके बाद हम सेक्शन सी और डी करेंगे। चलिए ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी ये 20 मार्क्स का है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू इज डायरेक्टेड, फर्स्ट में लिखा हुआ है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक में लिखा है, रोज मैरी यूजली डैश टू वर्क बाय बस बट शी डैश वर्क बाय टैक्सी यस्टरडे। रोज मैरी ज्यादातर तो बस से जाती है काम करने, मगर आज वो यानी कल वो टैक्सी से गई। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है यूजली। अब जब भी आपको यूजली दिखेगा कहीं पे यूजली, तो ये यूजली किस चीज को शो करता है, यूजली शो करता है आपके रूटीन को, किसको शो करता है रूटीन को। जैसे मैं डेली स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली ब्रश करता हूँ या वह डेली ब्रश करती है तो शी ब्रशेस डेली, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। और यस्टरडे किसको शो करता है, ये पास्ट टेंस को शो करता है। तो यहाँ पर यूजली ये रूटीन को शो कर रहा है। तो जब हम कोई रूटीन को शो करते हैं जैसे अर्थ मूव अराउंड द सन, तो ये भी क्या है, रूटीन डेली वाली चीज है। तो जो चीजें डेली वाली होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रखता है, सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है ना। तो यहाँ पे लिखा है रोजमेरी, तो रोजमेरी क्या है, सिंगुलर है, तो रोजमेरी यूजली गोज आएगा, और यहाँ पे यस्टरडे इसलिए यहाँ पे आएगा गो वेंट, वेंट आएगा। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा बेटा, पहले वाले में आ जाएगा गोज, ठीक है, क्या आएगा गोज, और दूसरे वाले में आ जाएगा क्या आ जाएगा, दूसरे वाले में गोज लिखा जी ओ ई एस, क्या है गोज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वेंट। वेंट किसकी सेकेंड फॉर्म है, गो की, गो वेंट गॉन पढ़ा है ना आपने, गो वेंट गॉन होती है ना, तीन फॉर्म होती है, ये प्रेजेंट फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये पास्ट। तो पहले में तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका, वन होगा ऑप्शन। तो फर्स्ट में गोज, सेकंड में वेंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट में कहा आइडेंटिफाई द एरर ऑन अ ट्रैफिक साइन बोर्ड एंड सप्लाई द करेक्शन। तो पहले तो आपको एरर को पहचानना है और फिर उसके हिसाब से उसकी करेक्शन देनी है। तो देखो यहाँ पे कहा ओवर स्पीड इज अ नाइफ दैट कट अ लाइन। तो बहुत सारे बच्चे एकदम से समझते हैं कि ओवर स्पीड, स्पीड करें ये गलत है, स्पीडिंग लिख देंगे, ओवर स्पीडिंग इज अ नाइफ दैट कट अ लाइन, मगर ये गलत होगा। तो यहाँ पे स्पीडिंग एरर नहीं है, यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे एरर है बेटा आपका कट, एरर क्या है कट है। तो याद रखना इसका एरर स्पीडिंग नहीं है, इसका एरर क्या है कट है। बहुत सारे बच्चे, तो एरर लिख देता हूँ पहले, क्लियर कर देता हूँ एरर क्या है इसका। तो इसका एरर है आपका, एरर जो है बेटा वो है आपका क्या, एरर, एरर आपका कट है, समझ आ गया। तो एरर है इसका कट, और अगर इसकी करेक्शन करेंगे हम, क्या करेंगे करेक्शन, यानी जो ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो जो इसकी करेक्शन होगी वो हो जाएगी कट्स, क्या हो जाएगी कट्स हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगी कट्स, सी यू टी एस, और सेंटेंस बन जाएगा ओवर स्पीड इज अ नाइफ दैट कट की जगह लग देंगे कट्स अ लाइफ। तो ओवर स्पीड एक चाकू है जो जीवन की जो रस्सी है उसे काट देगा, तो कट की जगह क्या लगा देंगे कट्स लगा देंगे, तो सही है। तो ओवर स्पीड इज अ नाइफ दैट कट्स अ लाइफ, क्लियर है। नेक्स्ट है थर्ड वाला, थर्ड में पूछा आपसे वेयर आर यू गोइंग टू, माही जो है वो बोल रही है वेर आर यू गोइंग टू, अनु कह रही है आई एम गोइंग टू मार्केट, डू यू वांट एनीथिंग, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें कुछ मार्केट से चाहिए या मार्केट से कुछ लाना है। तो इसके आपको देखो ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बी का आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है पढ़ लेते हैं बट आपसे, ऑप्शन है नेक्स्ट पेज में, तो ऑप्शन है पहला वेयर शी वॉज गोइंग इफ वेदर शी वॉन्टेड एनीथिंग, सेकेंड है वेयर शी वॉज सी वेयर वॉज शी गोइंग इफ वेदर she wanted anything, third where was she going, और fourth where was she going to brother had। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन वन, वो क्या है ऑप्शन वन है where she was going, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, ये वाला ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन कौन सा होगा इसका करेक्ट, where she was going, ऑप्शन वन इसका करेक्ट होगा, where she was going,
whether she wanted and ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो गया नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स है फिल इन द ब्लैंक्स से पूछा हुआ आपसे ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रुएलिटीज डेथ अपॉन देम बट द फार्मर रिमेन यूनाइटेड जितनी भी उनके साथ क्रुएलिटी जितनी भी उनको परेशान किया गया उसके बाद भी फार्मर हमेशा एक साथ रहे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा अब देख लें इसका जो करेक्ट होगा बेटा वो होगा आपका करेक्ट आंसर ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर इन्फ्लिक्टेड तो इसका आंसर होगा ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रुएलिटीज वर इन्फ्लिक्टेड अपॉन देम बट द फार्मर रिमेन यूनाइटेड तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लिक्टेड क्या हो जाएगा इन्फ्लिक्टेड ऑप्शन कौन सा है ए वन इन्फ्लिक्टेड ऑप्शन थ्री तो इसका आंसर है वर इन्फ्लिक्टेड क्लियर है नेक्स्ट है ई ई में दे रखा है आपको डैश गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग द टेस्ट तो इसमें हम क्या लगाएंगे डैश गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग द टेस्ट तो सम गर्ल्स ऑप्शन हो जाएगा सम गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग द टेस्ट नेक्स्ट है आपके पास यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब ऑन योर प्रोजेक्ट नो वन एल्स डैश इट बेटर तो बोला है कि आपने तो एक्सीलेंट जॉब करा है अपने प्रोजेक्ट में कोई भी ऐसा नहीं कर सकते तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसे हम क्या लिख सकते हैं तो हम इसमें लिख देंगे कुड हैव डन क्यों लिख देंगे कुड हैव डन क्योंकि देखो नो यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब ऑन योर प्रोजेक्ट तुमने अपने प्रोजेक्ट में अच्छा काम करा और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता तो कुड हैव डन लगाएंगे इसमें करेक्ट ऑप्शन यही होगा तो कुड हैव डन ये किसको दिखाएगा ये दिखाएगा उसकी एबिलिटी को अच्छा सकती को तो ऑप्शन थर्ड है ठीक है कुड हैव डन नेक्स्ट है जी जी में पूछा है सी डैश क्या बोला है सी डैश ड्राइड एंड आयरन ऑल द लॉन्ड्री बट द टाइम वर टाइम वी आर रेडी टू पैक फॉर आर लॉन्ग जर्नी तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा विल हैव वॉश शी विल हैव वॉश ड्राइड एंड आयरन ऑल द लॉन्ड्री बाय द टाइम वी आर रेडी टू पैक फॉर आर लॉन्ग जर्नी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा will have was तो कौन सा इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री तो ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट है नहीं समझ आ गया तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन थ्री कौन सा हो जाएगा ऑप्शन थ्री नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफाई करना एरर एंड सप्लाई द करेक्शन तो पढ़ना है चेंज इन द असर्टिव सेंटेंसेस किसको कन्वर्ट करना है नहीं असर्टिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है देखो जल्दी से असर्टिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है तो पहला है क्या है पहला है टू हॉट टू कुक डैश लेट अस कुक फॉर यू टू हॉट टू कुक लेट अस तो इसका एरर क्या है टी टी ओ टू एरर क्या है इसका बेटा इसका एरर है आपका टी ओ टू तो जो इसका एरर है फर्स्ट वाले का वो क्या है फर्स्ट वाले का एरर हो जाएगा एरर क्या है इसका एरर है इसका टू एरर क्या है इसका एरर आपका टू अगर हम एरर की बात करें तो जो फर्स्ट वाले का एरर है वो है टू और इसकी जो हम करेक्शन करेंगे क्या होगी करेक्शन तो टू की करेक्शन हो जाएगी टी डब्ल्यू टू तो ये इसकी करेक्शन है यानी इसका एरर है इसकी जगह पे क्या लगाना है टी डब्ल्यू टू तो टू हॉट टू कुक लेट अस कुक फॉर यू तो टी डब्ल्यू टू लग जाएगा टू की जगह पे टी डब्ल्यू टू लगा देंगे नेक्स्ट है अलास वी हैव लॉस्ट द मैच इसकी जगह क्या कर देंगे हम इसकी जगह लास्ट की जगह लगा देंगे अनफॉर्चुनेटली इसका एरर क्या होगा लास्ट की जगह क्या हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली हो जाएगा तो क्या लिख देंगे हम अनफॉर्चुनेटली यू एन एफ ओ आर टी यू एन ए एल एन ए टी एल वाई अनफॉर्चुनेटली ये तो एरर हो जाएगा क्लियर है आपका और इसकी जगह ये करेक्शन हो जाएगी क्या हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी करेक्शन ठीक है क्लियर है नेक्स्ट है चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस को विदाउट चेंजिंग द मीनिंग तो यहाँ पे लिखा है स्टेला इज अ प्रीटियर देन मैरी तो स्टेला जो है मैरी से क्या है प्रीटियर है तो आपको क्या करना है इसका इस तरीके से करना है कि इसमें कोई चेंज ना आए मीनिंग में ठीक है और ये नेगेटिव बन जाए तो हम लिख देंगे मैरी इज नॉट प्रीटियर देन स्टेला तो क्या लिख देंगे हम लिख देंगे
मैरी इज नॉट प्रिटियर देन स्टेला, बस ये लिखते ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे बेटा इस वाले में, लिखेंगे आप इसका जो मीनिंग चेंज ना हो तो आप लिख देंगे मैरी इज नॉट प्रीटियर पी आर ई डबल टी आई ई आर देन स्टेला, क्या लिख देंगे देन स्टेला, क्लियर है। बस आप ये लिखेंगे तो जो इसका मीनिंग चेंज भी नहीं होएगा और ये नेगेटिव भी बन जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है आपसे बोला है यू आर रिसेंटली ट्रेवलिंग इन अ दिल्ली मेट्रो एंड मेट अ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन हु ऑन अ ट्रिप वाज स्टोर, तो यहाँ पर आपको एक क्या लिखना है, आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है और दूसरे वाले में आपको क्या बोला हुआ है, दूसरे वाले में आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेक्शन सी बुक का है, सेक्शन सी, सेक्शन सी की वीडियो और सेक्शन डी की जो वीडियो है अभी अपलोड हो जाएंगी, तब तक आप सेक्शन डी को कर लें अच्छे से, सेक्शन सी और डी की वीडियो अपलोड हो जाएंगी, सेक्शन ए की वीडियो आप देख लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और उनकी भी हेल्प करें।